और अब बात कर लेते हैं स्वाति मालीवाल की, जो कि आम आदमी पार्टी की नेता हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। स्वाति मालीवाल का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप, आपके एक बड़े नेता का फोन आया, ऐसा स्वाति मालीवाल ने कहा। नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी में नेताओं को धमकाया जा रहा है, स्वाति मालीवाल का आरोप। मेरे खिलाफ गंदी बातें करने का दबाव आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बनाया जा रहा है, मेरी पर्सनल फोटोज को लीक करके मुझे तोड़ना चाहते हैं आम आदमी पार्टी वाले, लड़ाई में अकेली हूं पर हार नहीं मानूंगी, सच मेरे साथ है। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की नेता, कभी आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन और प्रदर्शनों में दिखाई देती थी, विरोध प्रदर्शनों में दिखती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी में वो दिन एक बड़े भूचाल का दिन था जब स्वाति मालीवाल ने पुलिस को फोन किया और कहा कि सीएम आवास में मेरे साथ मारपीट की गई है, और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा। अब इसकी एसआईटी जांच शुरू हो गई है, वहाँ मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, वर्तमान में आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने अपनी पिटाई किए जाने का आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में लगाया, आरोप मुख्यमंत्री केजरीवाल के कथित पीए विभव कुमार पर लगा है। विभव कुमार को लेकर पुलिस ने रिमांड पर लिया हुआ है और उसको जगह जगह लेकर जा रही है, उसका मोबाइल फोन फॉर्मेट किया जा चुका है, सीसीटीवी फुटेज में भी तकनीकी दिक्कतें हैं, जिसको लेकर स्वाति मालीवाल अब कह रही हैं साजिश की भी हद होती है और मैं अकेली हूं, लेकिन मैं इस मामले में लड़ती रहूंगी। अब आम आदमी पार्टी नेताओं को मेरा चरित्र हनन करने के लिए कहा जा रहा है, मेरी फोटो लीक करने के लिए कहा जा रहा है, मेरे खिलाफ गंदी बातें करने की जोर दिया जा रहा है।